नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार शर्मा। आज का विषय शुरू करने से पहले सभी को जय हिंद। तो आज का जो मेरा विषय है, सितार। सितार पर राग भैरव के सुर कैसे लगाएं। तो दोस्तों, आज मैं आपको सितार की थोड़ी सी जानकारी दूंगा और उसके बाद आपको राग भैरव के सुर कैसे लगाने आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, ये सितार सबसे पहले तुंबा, उसके बाद ये पीढ़ी है, स्टैंड भी कहते हैं, उसके बाद ये फ्रेड है, इन्हें पर्दे भी कहते हैं। 19 फ्रेड है मेरी सितार में, गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। इसमें लो पिच भी दिखाना होता है, हाई पिच भी दिखाना होता है, और मीडियम पिच के सुर भी दिखाने पड़ते हैं। सो दोस्तों, क्या होता है कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, जितना बजाओगे उतना डूबते जाओगे। ये कोई नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, और इसको साधना तो बहुत दूर की बात है और बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, और जितनी मेहनत करोगे उतनी चमक आएगी। तो दोस्तों, क्या है कि इसमें सितार में ये पर्दे होते हैं धागे से बांधे हुए, तो ये पर्दे टिकाए जाते हैं, और ये खूंटियां हैं, इसे लूज और टाइट किया जाता है तो ट्यूनिंग में काम आती हैं। 7 तारे होती है सितार की, ये आप सामने देख रहे हो। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 मेन 7 खुटियां होती हैं ऊपर की, जो कि 7 तारों से बंधी होती है। ये मेन बाज की तार है, ऊपर 2 चिंगारी की तार है, ठीक है दोस्तों। और बाकी की जो तार, 4 तारें इसमें, एक पीतल की है और 2 कॉपर की तार होती है, मतलब टोटल मिला के 7 तारे होती है, और नीचे तरफ की तारे होती है। सो दोस्तों, अब क्या है कि अगर सितार को समझना है कि सुर कैसे लगाना है, तो थोड़ा सा बारीकी में जाना पड़ेगा। देखो, मैं सितार उल्टा कर रहा हूँ, ये आपको पीछे पर्दे बने दिख रहे हैं, इनको दबाना पड़ता है। इनकी टेक्निक होती है कि जैसे कि मान लो ये पहला पर्दा है, मैंने ऐसे हाथ सेट किया, तो ये क्या है, ये पार है, और इसकी बैठकी का है ऐसे चौकड़ी मारना, सितार कैसे रखना है और ऐसे हाथ रखना है, बड़ा कंफर्टेबल होके बजाना पड़ता है। और ये जो घुटना होता है यहां रखना होता है। उसके बाद क्या है कि ये पा पहला फ्रेट है, और जो दूसरा फ्रेट है ये धा, उसके बाद ये नी और ये सा। दोस्तों, फर्स्ट फ्रेट, सेकंड फ्रेट, थर्ड फ्रेट, फोर्थ फ्रेट, फिफ्थ फ्रेट, सिक्स फ्रेट, मतलब 6वां पर्दा ये आपका सा है। मित्र, थोड़ा कैमरा इस तरफ कर, उल्टा। दोस्तों, ये आपको पर्दा दिख रहा होगा कि मैंने ये चीज यहां रखी है, तो ये इसका सा है, तो ये रे कोमल हो गया। एक पर्दा छोड़ दिया तो ये गा शुद्ध है। उसके बाद ये मा है, उसके बाद ये पा, उसके बाद धा कोमल, उसके बाद ये धा कोमल है, ये नी शुद्ध, और ये सा, मतलब सा रे गा मा पा धा कोमल नी शुद्ध सा। दोस्तों, अब इसको मैं इधर से समझाता हूं, तो ये सा है, ये रे, उसके बाद ये गा मा, उसके बाद पा, फिर ये धा कोमल, उसके बाद नी, उसके बाद सा। राग भैरव में क्या होता है, रे और धा कोमल सुर होते हैं। इसके पीछे में जाओगे तो मंद सप्तक का सुर लगता है, जैसे कि सा नी, धा कोमल ही है, धा पा, मतलब सा नी धा पा। तो राग भैरव का सुर क्या है, सा, जैसे कि सा रे गा सिंपल, सीधे सीधे सुर लगा रहा हूं, समझ आना चाहिए। जैसे कि मेन सा रे कोमल गा मा, फिर पा धा कोमल, फिर उसके बाद नी सा, फिर उल्टा आवरो सा नी धा पा मा गा रे सा। मतलब ये सा, ये रे कोमल, ये गा शुद्ध, ये मा शुद्ध, पा धा कोमल, ये नी और ये सा। उल्टा है, सा नी धा कोमल पा मा गा रे कोमल सा। मतलब थोड़ा इस तरफ दिखाओ, उल्टा आ जाओ कैमरा लेके। दोस्तों, अब इसको समझने के लिए क्या है कि इधर देखो आप, जैसे कि ये सा रे कोमल गा मा पा
नीसा, जैसे कि ये रे कोमल है और ये धा कोमल है, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, अवरोह सा नी धा पा मा गा रे सा। अब मंत्र सप्तक में जाना है, सा नी धा पा, मतलब सा ये है तो ये नी शुद्ध है, ये धा कोमल और ये पा है, पा धा नी सा रे गा मा पा धा नी सा, अवरोह सा नी धा पा मा गा रे सा। मतलब कि राग भैरव में आरोह और अवरोह बजाना बता रहा हूँ। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। इसको स्लो करके सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। अब दोस्तों इसका हाई पिच में कैसे दिखाना है, रे कोमल और गा कोमल और मा, सा रे कोमल गा मा पे थोड़ी सी तार खींच देनी है, मा फिर गा ऊपर आ जाएगी तार, गा रे सा, जैसे कि सा रे गा मा गा रे सा, फिर अवरोह सा नी धा पा मा गा रे सा, फिर मंत्र सप्तक में जाना है, सा नी धा पा पा धा नी सा रे सा। दोस्तों अब इसको प्रैक्टिस कैसे करना है, जैसे कि सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, मतलब कि ऐसे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, कम से कम इसी स्पीड में 4-5 मिनट तक बजाना, जैसे कि इसी तरह क्या है कि आप सारी सरगम बजा सकते हैं, जैसे कि सा रे गा रे गा मा गा मा पा मा पा धा नी धा नी सा नी धा नी धा पा धा पा मा गा रे गा रे सा। जैसे कि सिंपल सरगम है सा रे गा मा पा धा नी सा, उल्टा सा नी धा पा धा पा मा गा रे गा रे सा। इसी तरह अगली सरगम में सा रे गा मा पा, फिर सा रे गा मा। सो दोस्तों आपने इतनी सी कोशिश करनी है, फिर जाता जाता स्लो बता देता हूँ कैसे है, सा रे गा मा पा धा नी धा नी सा, उल्टा सा नी धा पा धा पा मा पा मा गा रे गा रे सा। तो ये राग भैरव में सरगम बजा रहा था मैं। दोस्तों बताने के लिए बहुत कुछ था, और कई बार दिमाग से बहुत कुछ निकल भी जाता है, कई बार व्यर्थ बजे हाथ छटक भी जाता है, और आपने मेरी कमियों को इग्नोर करना है और जितना हो सकता है मुझसे सीखने की कोशिश करनी है। जाते जाते नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।